नमस्कार, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतसिंह। जून 4 को जो स्कोर रहा बीजेपी और कांग्रेस का 5-5 का रहा, यानी कि आधे में कांग्रेस आधे में बीजेपी। जो आकलन हमने किया था लगभग 80% तक वो सही था। हमारा आकलन था 6-4 का, लेकिन जैसा कि आपने कल देखा दो सीटें तो ऐसी थी कभी ऊपर कभी नीचे, पर फाइनली जो लोकतंत्र में लोगों ने वोट दिया वो अब सबके सामने है। और अब सबसे बड़ा सवाल जो हम जानना चाहते हैं कि कौन कैंडिडेट किस लिए जीता, चाहे वो बीजेपी के जीते या चाहे कांग्रेस के जीते। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक जोगिंद्र कथुरिया जी। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। 80% तक आपने जो आकलन किया था वो सही निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं बता रहा हूँ, 80% आकलन सीटों में ठीक है, स्कोर तो हमने 5-5 ही रहा था। जी, जिस दिन हमने एग्जिट पोल की वीडियो बनाई थी, आप वीडियो दोबारा खोल के देख लेना, मैंने स्कोर 5-5 ही बताया था। हाँ, जो बदलाव हुआ सीटों में, मैं अंबाला सीट पर बीजेपी को एज दे रहा था और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस को एज। वो शायद कंफ्यूजन इसलिए भी हुआ क्योंकि मोदी वहां चले गए थे और जो रतनलाल कटारिया की डेथ के बाद जो एक सिंपैथी सेंटीमेंट मिलना था, शायद हम उसको थोड़ा ज्यादा आकलन कर गए। देखिए, दो चीजों के कारण अंबाला सीट पर भाजपा हार गई, जो उसका मुख्य कारण था। एक तो जो रूरल एरिया में वोटिंग ज्यादा हुई और अर्बन एरिया में वोटिंग प्रतिशत कम रहा, और जो रूरल एरिया में अच्छी खासी बढ़त वरुण मुराना को मिलती गई, यही वरुण मुराना की जीत का कारण। जी कथुरिया साहब, 39,036 का जो मार्जिन है जो वरुण चौधरी वरुण मुराना को मिला, अपने आप में एक बड़ा मार्जिन है। और अंबाला जैसी सीट पर कांग्रेस की विजय हासिल होना ये इंडिकेट भी करता है कि अब जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हो सकता है कि कांग्रेस की आंधी या तूफान आए। देखिए, जीटी रोड बेल्ट पर कांग्रेस ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। कुरुक्षेत्र सीट पर भी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुशील गुप्ता थोड़े ही मार्जिन से हार गए हैं, और करनाल जो लोकसभा थी वहाँ पर प्रत्याशी मनोहरलाल खट्टर के होते हुए भी वो जो पिछली बार का मार्जिन था 6.5 लाख, उसके 1/3 मार्जिन आया है। तो 2,32,577 का जो लीड मार्जिन है, जो जीत का मार्जिन है, वो संजय भाटिया जो 2019 में यहाँ से सांसद बन के गए थे उनके मुकाबले, जैसा आपने कहा, ये तो आधे से भी कम हो गया है, 1/3 ही हो गया। जी जी, तो आप क्या देखते हैं कि क्या खट्टर हार के भी जीत के, जैसा आपने एक उसमें कहा था कि नैतिक हार। हाँ बिल्कुल, पीछे एक वीडियो में मैंने ये शब्द यूज किया था। देखिए, जीत तो जीत होती है, चाहे वो एक वोट से हो, परंतु नैतिक हार मानी जाएगी। जो शख्स 10 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हो, वो बामुश्किल एक 31 साल के जिसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एमएलए और आगे एमपी लेवल की आज तक कोई भी चुनाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नया फेस है, 31 साल का है, और ये देखिए ना कि चुनाव अपना पहला लड़ रहा है। बताया ना कि 5 लाख के करीब वोट ले रहे हैं, 4,80,000 वोट। बहुत ही इम्प्रेसिव जो है ना चुनाव लड़ा है दिव्यांशु बुद्धिराजा ने। जो मनोहर लाल खट्टर की जो जीत का सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है, मराठा वीरेंद्र का चुनाव लड़ना और मराठा वीरेंद्र का पंजाबियों के खिलाफ एक 15 मिनट की वीडियो जारी करना, जिससे पंजाबी वोटर्स ज्यादा मनोहर लाल खट्टर की तरफ चले गए, और उसका फायदा मराठा वीरेंद्र के चुनाव लड़ने का सीधा सीधा फायदा मनोहर लाल खट्टर को हुआ। जी कथुरिया साहब, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ में जो रिजल्ट आया है जिसमें धर्मवीर सिंह ने 41,510 का लीड मार्जिन लिया राव दान सिंह से, और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ये जानना चाहते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी चुनाव, चाहे वो एमसी का लड़ रहा हो, पंच सरपंच का लड़ रहा हो, एमएलए का लड़ रहा हो, या फिर एमपी का चुनाव लड़ रहा हो, जो अपने घर से हार जाता है उसे बाहर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। अब जो राव दान सिंह को टिकट दिया गया था वो अहीर बेल्ट में बीजेपी का वोट बांटने के लिए दिया गया जी।
हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अहीरवाल बेल्ट में यदि और किसी जाति का प्रत्याशी होता तो इतने वोट भी गेन नहीं कर पाता। लेकिन आपको क्या लगता है, अहीरों ने क्यों नहीं वोट दिया अपने खुद के, जब जाट को वोट दिया है? जब कंपैरिजन होता है, एक तो नरेंद्र मोदी फैक्टर था और दूसरा राव इंद्रजीत फैक्टर था। राव इंद्रजीत ने अपनी मूछ का सवाल बना लिया था भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को, तीनों बार जो सांसद की टिकट धर्मवीर सिंह को मिली है उसमें कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का रोल रहता है। अहीरवाल बेल्ट पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वो नहीं चाहते कि हरियाणा में कोई दूसरा यादव नेता पनपे, बने, उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा हो। इसलिए राव इंद्रजीत हमेशा भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जाट प्रत्याशी को कि आप भिवानी और दादरी से वोट लेकर आइए, यहाँ से वोट मैं दिलवाऊंगा और आप। तो आप ये कहना चाहते हैं कि धर्मवीर सिंह की जीत नहीं है, जीत नरेंद्र मोदी की है, राव इंद्रजीत की है। और लेकिन जब शुरू में अपने चौधरी साहब गांव में चौधरी का विरोध भी होता था, गांव वालों ने बहुत विरोध किया और एक बार तो ऐसा लगा था कि धर्मवीर सिंह इंटरेस्टेड ही नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने में, लेकिन उसके बावजूद भी 41,000। इस बार तो धर्मवीर सिंह इंटरेस्टेड थे, पिछली बार 2019 के चुनाव में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बना और फिर टिकट हासिल की। ये तो माहिर हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। हाँ, इस बार उन्हें पता था कि टफ फाइट का सामना करना पड़ेगा और वो टफ फाइट, ये 41,000 का मार्जिन, 3% के मार्जिन में चुनाव जीते हैं, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। देखिए, असली जो राव डांसिंग को दो जगह झटका लगा, एक तो शाम की विधानसभा में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, बिल्कुल उतना सहयोग नहीं मिल पाया जितने की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि तो शाम से हारे हैं। दूसरा, दादरी से भी उतनी अच्छी खासी लीड नहीं मिल पाई, बाडरा ने उन्हें अच्छी खासी लीड दी है और लोहारू में भी उतनी लीड नहीं मिल पाई जितनी की एक्सपेक्टेशन राव धनसिंह कर रहे थे, यही उनकी हार के मुख्य कारण रहे। जी, दादरी में भी शायद सतपाल सांगवान ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनका अपना एक वोट बैंक है, उससे इस भी चीज का बहुत बड़ा फायदा मिला है बीजेपी। फरीदाबाद का बताइए, फरीदाबाद में कृष्ण पाल गुर्जर को 172,914 वोटों से लीड का मार्जिन है। देखिए, मैं आपको सीधी सीधी एक ही बात बता दूं, ओवरऑल चुनाव कृष्ण पाल गुर्जर ये हार रहे थे, वहाँ लगभग 2,00,000 के करीब प्रवासी वोटर्स हैं पूरी फरीदाबाद लोकसभा में। उन प्रवासी वोटर्स ने अधिकतर वोट भाजपा के पक्ष में और कृष्ण पाल गुर्जर के पक्ष में किया है। गुर्जर समाज में वो हारे हैं, वो जाट समाज में हारे हैं, उन्हें पंजाबी बनिया प्लस प्रवासी, इन वोटर्स ने संजीवनी दी, इस कारण ही वो चुनाव जीत पाए। गुड़गांव सीट, दोपहर तक तो ये लग रहा था जैसे राज बब्बर जो है ना इस बार पलट ही देंगे राव इंद्रजीत को, लेकिन फाइनली जो मार्जिन 75,000 का, बहुत ही कम मार्जिन राव इंद्रजीत जैसे कैंडिडेट के। राव इंद्रजीत जी का चुनाव जीतना, मैंने कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि राव इंद्रजीत चुनाव। कल मैं हरिभूमि में डिबेट पर था सारा दिन ही, लगभग 1 बजे तक राव इंद्रजीत पिछड़ते रहे, पर तभी भी मैं कह रहा था राव इंद्रजीत 1,00,000 के करीब चुनाव जीते, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस था कि जो बादशाहपुर और गुरुग्राम की लोकसभा सीटें हैं वो बहुत बड़ी हैं, उन पर लगभग 8,00,000 से ज़्यादा वोट हैं और उनके जो काउंटिंग के चरण हैं वो भी ज़्यादा होने हैं, जो पुनाना, फिरोजपुर, झिरका और नूह, एक मुश्त वोट दिया राज बब्बर को। हाँ, बहुत ज़्यादा वोट, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। मुझे लगता है राज बब्बर को एहसानमंद होना चाहिए उन इलाकों का। आपको शायद पता होना चाहिए राज बब्बर जी दामाद है मेवात एरिया के, उनकी मिसिस उसी एरिया से है, वहाँ बहुत बड़े बड़े फ्लेक्सिस लगाए थे, दामाद जी आए। अच्छा, दामाद जी आए। हाँ, तो उन्होंने तो अपने दामाद जी की पूरी खातिरदारी की है। राज बब्बर के अलावा देखिए कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतारा, भले ही वो चुनाव हार गया हो, परंतु हर प्रत्याशी ने अपने जी जान से चुनाव लड़ा है। कोई भी प्रत्याशी था, बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, सभी ने
अपनी जी जान से चुनाव लड़ा। हिसार लोकसभा जयप्रकाश ने वाकई कमाल कर दिया। यहाँ मैं जो जयप्रकाश जेटली की जीत कहूँगा ना, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। जैसे कि परसों वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि ये जो वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को मिला है, वोट सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस पार्टी का वोट मिला है। 63,381 का मार्जिन है। जो पिछले तीन चुनावों को उठा के देखिए, कांग्रेस जमानत जब्त करवा रही थी हिसार लोकसभा सीट पर, और चुनाव जीतना, जो पार्टी जमानत नहीं बचा पा रही थी वो चुनाव जीत जाए वो पार्टी। ये जीत जेपी के चुनावी मैनेजमेंट की है। जेपी जो चुनाव लड़ने के माहिर, ये उनका 8वां लोकसभा चुनाव, 8वां लोकसभा, वैसे 12वां है सारे मिलाकर के, 12वां चुनाव है, 8वां लोकसभा हिसार से, तो चौथी बार वो हिसार के सांसद, जबरदस्त। और 1989 में वो पहली बार सांसद। और इंटरेस्टिंग ये बताओ, उन्होंने सभी चौटालाज को निपटा दिया, रंजीत चौटाला को निपटा दिया, जो दो चौटाला भूमि थी सबको निपटा दिया, जयप्रकाश अकेला जो है वो खड़ा हुआ। और उन्होंने कहा मैं देवीलाल का जो है ना वैचारिक वारिस मैं हूँ। देखिए, जो जयप्रकाश जेपी को वोट मिला, पूरे रंजीत चौटाला, सुनैना चौटाला और उनको मिला के, सभी को मिला के भी उससे ज्यादा मिला। जयप्रकाश ने तो वाकई में कमाल कर दिया। करनाल से मनोहर लाल की हमने बात कर ली है। कुरुक्षेत्र का बताइए, नवीन जिंदल हालांकि चुनाव जीत गए हैं। मैं हमेशा ही कहता था कि नेक टू नेक फाइट, 29,021 एज पे मैं हमेशा ही भाजपा के नवीन जिंदल को रखता था, क्योंकि मुझे पता है जो यहाँ से सांसद रहे हैं उन्हें यहाँ के एरिया का, शायद 2004 और 2009 दो बार तो नवीन जिंदल सांसद रहे, उससे पहले 1996 में ओपी जिंदल जी भी कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, तो उन्हें इस क्षेत्र का नब्ज का पता था। चुनाव बिल्कुल आखिरी बूथ तक भी चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव से पहले के दो दिन जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है उसके बाद असली चुनाव शुरू होता है। 29,021 का यहाँ लीड मार्जिन है और अभय सिंह चौटाला ने 78,000 के करीब वोट लिए। और आप ये एक बात कहते थे कि जितने वोट ज़्यादा अभय सिंह लेगा उतना ही मार्जिन जो है गुप्ता जी का नीचे आता जाएगा। देखिए, जिस दिन अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में प्रत्याशी बने थे, हमने पहली वीडियो बनाई थी, बिल्कुल शुरू से मैंने एक बात कही थी कि 80,000 से इन्होंने आज चुनाव लड़ना चालू किया है जी। एक बार उनका चुनाव उठा, ये वापिस 80,000 पे इसलिए आया, 78,000 इसलिए ये वोट यहाँ रह गया, क्योंकि सब जो पब्लिक जनता जानती है कि ये चुनाव सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के बीच था। भाजपा एंटी मोदी और प्रो मोदी चुनाव था, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट देना था, प्रधानमंत्री चुनना था, उन्होंने नवीन जिंदल को, जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं चुनना चाहते थे उन्होंने वोट सुशील गुप्ता को दिया। हाँ, एक बात मैं आज भी कह रहा हूँ, यदि यहाँ अभय सिंह चौटाला प्रत्याशी नहीं होते तो गुप्ता जी, ये चुनाव गुप्ता जी का होता। यहाँ नवीन जिंदल जी को धन्यवाद करना चाहिए अभय सिंह चौटाला का कि उन्होंने कुरुक्षेत्र से आकर सिरसा लोकसभा से बहन कुमारी शैलजा ने भी देखिए अशोक तंवर को पटकने दिया है और मार्जिन देखिए 2,68,497 वोट्स का। देखिए, ये बिल्कुल तय था, बिल्कुल क्लियर था। मैं कभी भी एक भी वीडियो में आज तक प्रत्याशी बनने से पहले भी कहता था कुमारी शैलजा को केवल फॉर्म भरना है, जनता ने उनको चुनाव जितवाना। मैं भाप चुका था वहाँ का मूड, वहाँ जब मैं एलनावा चुनाव की कवरेज करने गया था वहाँ 50% से ज़्यादा हिस्सा एंटी मोदी, मतलब मोदी को हराने के लिए वोट करना चाहता, वहाँ जो किसान आंदोलन का असर था। अब जो दो सीटें बच गई है दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, हुड्डा साहब का गढ़ है। पहले मैं सोनीपत पर आऊंगा, सतपाल ब्रह्मचारी कुछ महीने पहले ही शायद हरिद्वार से आए और मोहनलाल बडोली को देखिए 21,816 वोटों से हरा दिया है और आज वो सांसद बन गए सोनीपत लोकसभा से, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमने सोनीपत लोकसभा की जो कुंडली खंगाली थी वो फरवरी महीने में खंगाली थी। अब वीडियो निकाल के देख लेना, उसमें मैंने दो नाम लिए थे, सतपाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी। जब तो मीडिया बात भी नहीं करता सतपाल ब्रह्मचारी की, लेकिन आपने शायद, मुझे लगता है कि मैंने भी आपके मुंह के अलावा कहीं नहीं पढ़ा था, नहीं कहीं सुना था। और इनकी जीत का भी आपने ये कहा था कि सतपाल ब्रह्मचारी ही जीतेंगे चाहे थोड़े मार्जिन से जीते। देखिए, सतपाल ब्रह्मचारी
किस लिए इम्पोर्टेंट थी, या तो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी भी होते वो शायद इनसे भी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत जाते। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी और सत्यपाल ब्रह्मचारी ये दोनों ब्राह्मण, दोनों ही जींद जिले से और दोनों ही धनाढ्य जिनके पास चुनाव में पैसा लगाने के लिए था। इनकी इमेज भी बहुत अच्छी है। देखिए सत्यपाल ब्रह्मचारी और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते, कहीं ना कहीं इनके चुनाव में लिटिल बिट मिसमैनेजमेंट भी रही। इन्होंने वहाँ के स्थानीय प्रत्याशियों को, जो विधानसभा के प्रत्याशी थे, चाहे वो विधायक थे चाहे वो वहाँ से चुनाव लड़, उन्हें ज़्यादा महत्ता दी। जो दोयम दर्जे के नेता थे उन्हें कम महत्ता दी। इसके कारण दोयम दर्जे के जो नेता थे उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर मैं चुनाव में हर एंगल को देखता हूँ। सत्यपाल ब्रह्मचारी की जो ये जीत थी और बड़ी हो सकती थी, और ये जीत मोहनलाल बड़ोली की भी हो सकती थी यदि भीतरघात नहीं होता। आप एक चीज देखिए, एक उत्साह भी कम था जो जाट वोटर्स में। आप बड़ौदा और खरखोदा में जो वो पोलिंग परसेंटेज देखिए, बहुत कम था, अप्रोक्स 60-58। अगर यहाँ पर 70-75% पोलिंग होती तो ये सत्यपाल ब्रह्मचारी का जो जीत का मार्जिन है वो 1,00,000 के करीब होता जी। अब सबसे हॉट सीट, सबसे इम्पोर्टेंट, जिस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ने पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा लीड मार्जिन लिया है, रोहतक लोकसभा, जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3,45,298 का मार्जिन, ये तो शायद हमारी कल्पना से भी बाहर था। हमने जीत तो हर बार बताई और मार्जिन भी शायद लाख के करीब बताया, लेकिन दीपेंद्र ने 3,45,298 का वोट, इस सेंटिमेंट के बारे में क्या कहें? देखिए मैंने बिल्कुल ना पूरा चुनाव बिल्कुल करीबी से देखा है। नॉन जाट वोटर्स, देखिए जाट समाज का तो पहले ही दिख रहा था, 90-95% वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जा रहा था, वो गया भी है। जो नॉन जाट वोटर्स था ना, पिछली बार जो 2019 में भाजपा ने रोहतक लोकसभा के चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट बना दिया था, इस बार वो कहीं नहीं दिखाई दिया। 50% नॉन जाट वोटर्स ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिया, यही दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत का सबसे बड़ा, देखो जीत 100% थी, जीत जो 100%। बड़ी जीत हुई उसका सबसे बड़ा कारण है। आपको मैं कोसली की बात बता देता हूँ, मैं भी शॉक्ड हूँ। मैं कभी भी नहीं सोच रहा था कि कोसली से चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा दो वोटों से जीत जाएंगे, ये नहीं सोच रहा था। क्योंकि 75,000 का लीड मार्जिन खत्म करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात। देखिए इसके पीछे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार की मैनेजमेंट, रणनीति बहुत मेहनत भी है। मैंने देखा राव नरेंद्र पिछले 2 महीने से लगातार केवल कोसली क्षेत्र में एक्टिव रहे, उन्हें और कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई गई, केवल कोसली में। रावण, जगदीश यादव, अनिल पालावास और स्वयं हुड्डा परिवार भी बार बार कोसली क्षेत्र में एक्टिव रहा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोसली क्षेत्र के हर गांव, लगभग 127 के करीब, शायद ये जो इश्यूज हैं अग्निवीर वाला, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि कोसली एक ऐसी जगह है जहां पर हर दूसरे घर में से सैनिक जो है ना इंडियन आर्मी में जाता है। देखिए ओवरऑल भी अगर पूरे देश की बात कर ली जाए, जो मोदी वेव थी 2014 और 2019 में वो इस बार नहीं थी। ये वोट जो कोर वोट बैंक होता है, किसी पार्टी का कोर वोट बैंक बन जाता है, बीजेपी को केवल वही कोर वोट बैंक मिला है जिसके कारण ये 5 सीटें आई हैं। और हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बदला गया है इसके कारण ये 5 सीटें आई हैं। अदरवाइज कुरुक्षेत्र सीट भी हारनी थी इस बार भाजपा ने, यदि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता तो भिवानी सीट भी हारना था। आपको मैं एक बात बताता हूँ, पंजाबी समाज ने लगभग 70-75% वोट आज भी भाजपा को किया है, पहले 80-85% करते थे। कितना डाउन आया पंजाबी समाज में, ओवरऑल 10% है। लेकिन रोहतक विधानसभा से भी दीपेंद्र हुड्डा की जीत, जो पिछले बार 19,000 के करीब हार थे, इस बार दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। देखिए रोहतक विधानसभा का एक आंकड़ा मेरे पास है, जो लोकल वोट्स थे नॉन पंजाबी, उसमें सभी कास्ट चाहे वो जाट बनिया ब्राह्मण और एससी ओबीसी सभी को लोकल वोट्स में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं। और जो पंजाबी वोटर्स थे ना
उनमें भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग 35-40% वोट हासिल किया। यही दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक जो विधानसभा में जीत का जो लीड लोकल वोटर्स में मिली वो पंजाबी वोटर्स की लीड को ख़त्म करके और लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जी। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये जो जीत हुई है 2024 के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, ये हुड्डा परिवार की दसवीं जीत है रोहतक लोकसभा से, क्योंकि चार बार पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत चुके हैं, दो बार चौधरी रणबीर सिंह जो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ये चौथी जीत है। तीन बार पहले वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं और ये चौथी बार अब की बार जीते हैं। तो हुड्डा परिवार की जो राजनीति है रोहतक से जीतना और सोनीपत से जीतना, और जितने प्रत्याशी जीते हैं, एक सिरसा को अगर हम छोड़ दें तो चार सीटें तो हुड्डा साहब की ही इसके अचीवमेंट के उसमें गिना जाएगा। देखिए मैं सीधी सी एक बात बता दूं, हुड्डा परिवार रोहतक लोकसभा और ओवरऑल हरियाणा के लोकसभा के चुनाव को सेमीफाइनल मानकर लड़ रहा था, ये सेमीफाइनल जीत लिया है तभी वो फाइनल में प्रवेश कर पाए हैं। अब विधानसभा में जो एजपल टीम वो कांग्रेस ही दिखाई देती है, हरियाणा में 90 में से 56 विधानसभाओं पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे रहे हैं, इसका एक सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है कि अब हरियाणा में जो भविष्य में विधानसभा की सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस पार्टी एज पर रहेगी, भाजपा पिछड़ती हुई दिखाई देगी। अगर हालात ऐसे ही बन गए तो एक तरफा 2/3 मेजोरिटी भी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आती दिखाई दे रही है। इसमें अगर थोड़ा सा हम और अगर इंटरेस्टिंगली देखें तो जो भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह जीते हैं वो भी कांग्रेसी हैं, और गुड़गांव से जो रावेंद्र जी जीते हैं वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं, और कुरुक्षेत्र से अगर हम बात करें तो वो भी, तो तीन सीटें और देखा जाए तो हैं तो पूर्व कांग्रेसी, उनके अंदर डीएनए तो कांग्रेस का है। आपको एक बात बता दूं, नवीन जिंदल यदि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते तो नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट कांग्रेस से भी जीतते, इस बात में कोई। तो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ करनाल और फरीदाबाद ये दो ही एक ऐसी सीटें हैं जहाँ जो कोर बीजेपी के हैं, मनोहर जी और कृष्णपाल जी को छोड़ कर। बिल्कुल बिल्कुल जी। खैर ये था हमारा विश्लेषण, और हम कथुरिया साहब को विशेष धन्यवाद देंगे क्योंकि जब प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर नहीं हुए थे तब इन्होंने प्रत्याशियों के जो नाम बताए थे वो भी विश्लेषण सटीक निकला था, और कौन किस सीट से जीतेगा वो भी हमारा जो विश्लेषण था वो बिल्कुल सटीक निकला। कथुरिया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम आगे इस तरह से आपको पॉलिटिकल इंटरव्यूज और पॉलिटिकल विश्लेषण दिखाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।